चलिए कमोडिटीज पर आपके स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। पहले अपडेट देख लेते हैं प्रीवियस सेशन की। हालांकि जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट्स पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग क्रूड गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देखी, 2.5% के आसपास की करेक्शन देखी। और आप देखिए फ्राइडे के सेशन में जहां पर थर्सडे फ्राइडे के सेशन में जहां पर हमने इक्विटीज में काफी पेन देखा तो उसका पूरा बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा था और काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज आया भी था, 30,000 तक के लेवल्स टच करने की कोशिश की थी। लेकिन कल जिस तरह से इक्विटीज में रिबाउंड दिखा उसी क्वांटम में आप देखिए कि गोल्ड सिल्वर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, 2.5% गिरकर गोल्ड क्लोज हुआ कल 706 रुपए की कमजोरी के साथ। वहीं अगर सिल्वर को देखिए कल के सेशन का बिहेवियर तो करीब 900 करोड़ के आसपास की कमजोरी वहां भी रही। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनका व्यू ले लेते हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, गोल्ड सिल्वर पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमने बीते सेशंस में एज अ सेफ हेवन काफी बाइंग इमर्ज होती हुई देखी है, लेकिन जो कल और फ्राइडे के सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग दिखी गोल्ड में वो अभी और स्ट्रेच होती है आप देख रहे हैं, आप इस डिप को यूटिलाइज करेंगे किसी भी नई खरीदारी के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली जी, अगर देखें तो गोल्ड हमें लगता है कि बाय एंड डिप सी करके चलना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा करीबन 28,500 के अराउंड, गोल्ड मिले तो बाय निषेध कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टारगेट करीबन 28,900 का देखने को मिल सकता है। सेम एवन डिमांड मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर दोबारा एमर्ज होती हुई दिखाई देगी जी। तो ऑन डेप्स बाय करना चाहिए गोल्ड 28,900 के लक्ष्य के लिए, 28,300 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। क्रूड पर क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्रूड में हमने फिर से इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा बाउंस देखा है, काफी समय से प्रोडक्शन कट होने की खबर है स्पेशली ओपेक की ओर से, और जब जब इस तरह की खबर आती है तब हम बाउंस देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन हमने कल भी देखा। लेकिन घरेलू बाजार में 2048 पर कल क्लोजिंग हुई, आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप रिकमेंड करेंगे? देखिए क्रूड के अंदर भी देखें तो लोअर लेवल से जरूर यहाँ बाउंस बैक देखा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ट्रेंड जो है क्रूड का वो थोड़ा रिवर्स हुआ है। हालांकि $32 एक अभी भी रेफरेंस लेवल है, पर मुझे लगता है कि बाय ऑन डेप्थ इसमें भी करना चाहिए। तो करीबन 2000 के अराउंड बाय कर सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 2080 तक देखने को मिल सकता है। चलिए शुक्रिया अनुज आपका बातचीत करने के लिए। क्रूड में भी बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 2080 के लक्ष्य के लिए 1960 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए पार ब्रेकफास्ट।